केएमसी कैंसर संस्थान, केएमसी हेल्थ सिटी, बागपत रोड, मेरठ, उत्तरी भारत का आधुनिकतम एवं अत्यंत सुरक्षित रोबोटिक रेडियोथेरेपी वाइटल बीम, जो साइबर नाइफ की तुलना में एकदम सही व सुरक्षित है। रैपिड आर्क से सुसज्जित संस्थान 24/7 हर प्रकार के कैंसर के ऑपरेशन, क्यूमोथेरेपी और प्रत्येक प्रकार की रेडियोथेरेपी व रेडियो सर्जरी उपलब्ध है। कैंसर को पहचानने के लिए आधुनिकतम पेट सिटी उचित शुल्क पर उपलब्ध है। नमस्कार, मैं हूं रवि शर्मा और आप देख रहे हैं FuckBuy.tv। बीते दिवस एक वीडियो वायरल हुआ और योगी सरकार के ऊर्जा मंत्री सौमेंद्र तोमर को विवादों में उस वीडियो ने खड़ा कर दिया। वीडियो में बताया गया कि किस तरह विधायक व ऊर्जा मंत्री ने करीब 36 प्लॉटों पर कब्जा कर लिया है। इनमें से अधिकांश लोग पूर्व सैनिक है। आरोप यह भी लगाया गया है कि सौमेंद्र तोमर ने इन प्लॉट की तरफ जाने वाले रास्ते को बंद कर दिया है। अब इन्हें सस्ते दाम पर सौमेंद्र तोमर ही दबाव डाल रहे हैं कि वह उनको बेचते हैं। इस वीडियो के वायरल होने के बाद ही समाजवादी पार्टी और आजाद अधिकार सेना के राष्ट्रीय अध्यक्ष अमिताभ ठाकुर ने योगी सरकार को खटघरे में ला खड़ा किया है। उन्होंने सौमेंद्र तोमर के खिलाफ रिपोर्ट दर्ज कराने वे मंत्रिमंडल से उन्हें बर्खास्त करने की मांग की है। इस मुद्दे को लेकर बीते दिवस पीड़ित लोगों ने SSP से मुलाकात की थी। वहां पर उन्हें केवल आश्वासन ही मिला और आज फिर वो लोग DM ऑफिस पहुंचे न्याय की गुहार के। इन लोगों का यह भी कहना है कि मामला चूंकि ऊर्जा मंत्री से जुड़ा हुआ है, लिहाजा उन्हें सिर्फ कोरे आश्वासन ही दिए जा रहे हैं। जहां तक बात सौमेंद्र तोमर के इस दावे की है कि इस मामले पर, यानी कि इस जमीन पर मुकदमा चल रहा है, तो यदि वह यह साबित कर दे तो वे इन प्लॉटों को ऐसे ही सौमेंद्र को दे देंगे। आज जब FuckBuy.tv ने ऊर्जा मंत्री सौमेंद्र तोमर से वार्ता की तो उन्होंने कहा कि यह जमीन उन्होंने खरीद रखी है, उन्हें बिना वजह ब्लैकमेल कर निशाना बनाया जा रहा है। जिलाधिकारी से उन्होंने कमेटी बनाकर इस पूरे मामले की जांच करने की मांग की है। ऊर्जा मंत्री ने मौके पर अप्रिय घटना होने की आशंका भी जाहिर की है और इस आशय का उन्होंने एक लेटर भी जारी किया है। पहले देखिए वह वीडियो जो बीते दिवस वायरल हुआ था। नमस्कार जी, जय हिंद। ये सामने मेट्रो स्टेशन है मोदीपुरम पल्लवपुरम का, और यहाँ से एक रास्ता आता है जोगीधर पावली खास फाटक के पास आता है। इसी फाटक के पश्चिम दिशा में एक विनायक विद्यापीठ नाम से एक स्कूल कॉलेज बना हुआ है। इसी स्कूल कॉलेज के अंदर आधे में स्कूल है और आधे में प्लॉट कटे हुए हैं, जिन प्लॉटों पर भाजपा विधायक, वर्तमान मंत्री BJP का डॉक्टर सौमेंद्र तोमर, उसने सभी प्लॉटों का रास्ता रोककर कब्जा किया हुआ है। ये सभी प्लॉट धारक है, तो अभी इनकी समस्या यह है, ये सभी यहाँ किराए पर रहते हैं मेरठ में, और इनके पास अभी कोई दूसरी जगह नहीं है। सारी जिंदगी की कमाई करके इन्होंने एक एक प्लॉट खरीदा है, आज इन्हें इनके प्लॉट में घुसने नहीं दिया जा रहा है। अब इनसे पूछते हैं इनकी क्या समस्या है। अच्छा जी, इधर आ जाओ जी आप। हाँ जी, आप, आपका नाम जी? हाँ, मेरा नाम नवीन त्यागी है और मैंने जो है यहाँ प्लॉट ले रखा अपना। अच्छा जी, और प्लॉट पर जाने में अच्छे गेट बंद कर लेते हैं। अच्छा जी, पीठ। हाँ जी, तो उसका क्या नाम है जो आपको यहाँ से अंदर जाने नहीं देता? सौमेंद्र तोमर, BJP विधायक सौमेंद्र तोमर। हाँ जी, BJP विधायक सौमेंद्र तोमर। हाँ जी, बताइए आपका प्लॉट है इधर, आपका नाम जी? दीपायदा। अच्छा जी, आपका वो इधर कौन नहीं जाने देता? सौमेंद्र तोमर, जो BJP विधायक है, वर्तमान में मंत्री है। हाँ जी, आप एक्स आर्मी से हो? हाँ, तो आपका इधर प्लॉट है, तो इधर कोई आपको जाने नहीं देता? प्लॉट पे कब्जा किया हुआ है। क्या नाम है जी उसका? सौमेंद्र तोमर। हाँ जी, आपका प्लॉट है? हाँ जी, आप भी एक्स आर्मी से हो? अच्छा जी, आपको इधर कौन नहीं जाने देता? डॉक्टर सौमेंद्र तोमर, BJP का विधायक। हाँ जी, आपका प्लॉट है, आप एक्स आर्मी से हो? अच्छा जी, आपका इधर, आप का प्लॉट है इधर, तो आपको कौन नहीं जाने देता इधर?
पुरन डॉक्टर सोमिंदर तोमर, यही नाम है ना? अच्छा जी, आप बताइए जी, आपका भी प्लॉट है इधर, आप भी एक्स आर्मी से हो, देख लो भाई, सभी जितने भी एक्स आर्मी वाले हैं उनके प्लॉट ऊपर कब्जा किया जा रहा है। चौहान ही तोमर है। अच्छा जी, अच्छा जी, ठीक है। तो देखो ये आदमी है, इधर पुलिस भी आई हुई है, तो इधर सारा रास्ता रोका हुआ है, इधर ये जाने नहीं देते बिल्कुल भी, गेट बंद किया हुआ है। और इधर देख लो जी, माननीय विधायक संगीत सोम जी ने का इधर पत्थर लगा हुआ था, जिन्होंने जिनकी निधि से रास्ता बना था, जिन्होंने रास्ता बनवाया था। और आज देख लो, मतलब उन्होंने यहाँ पे ये पत्थर भी उखाड़ दिया, यहाँ किताब लगा दी। अब ये माननीय विधायक संगीत सोम जी को भी सोचना चाहिए कि उनकी निधि से जो रास्ता बना है उसका क्या हुआ है। इस रास्ते को देखो जी, देखो पुलिस आई है, कितने आदमी है ये अंदर, ये गए हुए हैं, तो यहाँ से रास्ता रोका है, सभी परेशान हैं, बहुत ही आदमी, इनकी हेल्प होनी चाहिए। सभी से निवेदन है कि इनकी हेल्प करो, सामने गेट बंद है। अभी हम आपको दिखाते हैं, देखो छोड़ा इस रास्ते कितनी है, और जबकि ये रास्ता, इसके नीचे काली सड़क भी है, अगर इस रास्ते को उखाड़ोगे तो इसके नीचे काली सड़क भी मिलेगी। तो इधर देख लो, सामने गेट है, गेट बंद करके रखते हैं, इन्हें सामने अतिक्रमण हो रखा है, इस पे, इस कॉलोनी पे अतिक्रमण भी हो रखा है। कोई ये नहीं बोल सकता कि यह कॉलोनी का रास्ता सिर्फ डॉक्टर सोमिंदर तोमर का है। तो ये देखिए, दूसरी कॉलोनी का गेट भी इधर है, इस गेट को किसी ने बंद नहीं किया। अगर ये इनका पर्सनल रास्ता था तो ये गेट भी बंद होना चाहिए था। सोचो ये गेट क्यों नहीं बंद करा, सोचो इस गेट का भी रास्ता है, दिखा देता हूँ मैं आपको। देखो ये कॉलोनी है, ये गेट है, ये दूसरी कॉलोनी है, इसका रास्ता है ये, इस रास्ते की चौड़ाई देख लो, लंबाई देख लो, ये उधर से आता है रास्ता, विनायक विद्यापीठ पल्लापुरम मोदीपुरम मेट्रो स्टेशन के सामने से, दुलेटा चौकी से सीधे सामने पावली खास रेलवे स्टेशन। देख लो सभी प्लॉट वाले आए हुए हैं, सभी को देख लो। अब यहाँ धमकी दी जा रही है प्लॉट धारकों को कि 8,000 रुपये में प्लॉट बेच के भाग जाओ, वरना तुम्हारे खिलाफ कार्रवाई होगी। क्या कार्रवाई होगी ये किसी को नहीं पता। देख लो रास्ते में अतिक्रमण, गेस्ट रूम बना रखा है, तब प्लॉट वालों को झूठ बोल के बनवा दिया कि तुम्हारी सेफ्टी होगी। अब ये देख लो, लैट्रिन बाथरूम बना रखे, गेट लगा दिया, विनायक विद्यापीठ। अब यहाँ से देख लो, ये रास्ता जाता है कॉलेज के अंदर, चलेगा ये कॉलोनी के अंदर जाता है, ये बोर्ड है, ये बोर्ड देख लो, ये बोर्ड हटा दिया रास्ते में, ये रोक दिया रास्ता, ये रहा। इसमें मंत्री जी ने देखो जेसीबी चलाकर सब के वे उखाड़ दिए, सब की नींव उखाड़ दी। काली सड़क थी ये, देखो काली सड़क थी, काली सड़क सब उखाड़ दी, शायद रास्ते अभी अभी थोड़े थोड़े नजर आ रहे हैं, सब उखाड़ दिया, ये सब उखाड़ दिया। देख लो अब ये कितने आदमी है, कहाँ जाएंगे बताओ, देख लो, देख लो कितना अन्याय हो रहा है। अभी हम देखते हैं मुख्यमंत्री जी, योगी जी, दूसरी पार्टी वालों के तो अतिक्रमण उखाड़ फेंकते हैं, अपनी पार्टी वालों के लिए क्या करेंगे। ये सभी पूरे, सभी से निवेदन है कि अच्छा एक चीज़ हो, ये सभी जितने भी है, सभी बीजेपी के वोटर है, ठोक के कोई किसी एक पे भी, जो मैं न्यूज बना रहा हूँ मैं भी, कोई एक ये नहीं बोल सकता कि हम बीजेपी के वोटर नहीं है, कोई हम पे इल्जाम नहीं लगा सकता। देख लो, देख लो, आप सभी से निवेदन है, ये कॉलेज है, और सामने की दीवार थी, वह दीवार भी तोड़ दी, एक दीवार ही आ रही है, इस दीवार को देख लो, चारों तरफ कॉलोनी की दीवार थी, इसमें कोई धोखाधड़ी नहीं है, धोखाधड़ी नहीं सिर्फ गुंडागर्दी है इधर, देख लो। ठीक है जी, सभी से निवेदन है इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें और इन्हें इंसाफ दिलाने की कोशिश करें। इसके बाद समाजवादी पार्टी ने एक्स पर यह पोस्ट किया। नमस्कार जी, जय हिंद। ये सामने मेट्रो स्टेशन है मोदीपुरम पल्लवपुरम का, और यहाँ से एक रास्ता आता है जो कि इधर पावली खास फाटक के पास आता है। इसी फाटक के पश्चिम दिशा में
एक विनायक विद्यापीठ नाम से एक स्कूल कॉलेज बना हुआ है। इसी स्कूल कॉलेज के अंदर आधे में स्कूल है और आधे में प्लॉट कटे हुए हैं, जिन प्लॉटों पर भाजपा विधायक वर्तमान मंत्री बीजेपी का डॉक्टर सोमेंद्र तोमर, उसने सभी प्लॉटों का रास्ता रोककर कब्जा किया हुआ है। ये सभी प्लॉट धारक है, तो अभी इनकी समस्या ये है, ये सभी यहाँ किराए पर रहते हैं मेरठ में, और इनके पास अभी कोई दूसरी जगह नहीं है। सारी ज़िंदगी की कमाई करके इन्होंने एक एक प्लॉट खरीदा है, आज इन्हें इनके प्लॉट में घुसने नहीं दिया जा रहा है। अब इनसे पूछते हैं इनकी क्या समस्या है। अच्छा जी, इधर आ जाओ जी आप। हाँ जी, आप, आपका नाम जी? हाँ, मेरा नाम नवीन त्यागी है और मैंने जो है यहाँ प्लॉट ले रखा अपना। अच्छा जी, और ये अपने पजारे में रखते गेट बंद कर लेते हैं। अच्छा जी, दपीट। हाँ जी, तो उसका क्या नाम है जो आपको यहाँ से अंदर जाने नहीं देता? सोमेंद्र तोमर, बीजेपी विधायक सोमेंद्र तोमर। हाँ जी, बीजेपी विधायक सोमेंद्र तोमर। हाँ जी, बताइए आपका प्लॉट है इधर, आपका नाम जी? जुबैदा। अच्छा जी, आपका इधर कौन नहीं जाने देता? सोमेंद्र तोमर, जो बीजेपी विधायक है, वर्तमान में मंत्री है। हाँ जी, आप एक्स आर्मी से हो? हाँ, तो आपका इधर प्लॉट है, तो इधर कोई आपको जाने नहीं देता? प्लॉट का कब्जा किया हुआ है? क्या नाम है जी उसका? सोमेंद्र तोमर। हाँ जी, आपका प्लॉट है? हाँ जी, आप भी एक्स आर्मी से हो? अच्छा जी, आपको इधर कौन नहीं जाने देता? डॉक्टर सोमेंद्र तोमर, बीजेपी का विधायक। हाँ जी, आपका प्लॉट है, आप एक्स आर्मी से हो? अच्छा जी, आपका इधर आप का प्लॉट है इधर, तो आपको कौन नहीं जाने देता इधर? पुरान डॉक्टर सोमेंद्र तोमर, यही नाम है ना? अच्छा जी, आप बताइए जी, आपका भी प्लॉट है इधर, आप भी एक्स आर्मी से हो? देख लो भाइयों, सभी जितने भी एक्स आर्मी वाले हैं उनके प्लॉटों पर कब्जा किया जा रहा है। डॉक्टर सोमेंद्र चौहान जाने नहीं दे रहा। हाँ, जाने नहीं देता। चौहान नहीं, सोमेंद्र तोमर है। अच्छा जी, अच्छा जी, ठीक है। तो देखो ये आदमी है, इधर पुलिस भी आई हुई है, तो इधर सारा रास्ता रोका हुआ है, इधर ये जाने नहीं देते बिल्कुल भी, गेट बंद किया हुआ है। और इधर देख लो जी, माननीय विधायक संगीत सोम जी ने का इधर पत्थर लगा हुआ था, जिन्होंने जिनकी नीति से रास्ता बना था, जिन्होंने रास्ता। इसके तुरंत बाद ही पूर्व आईपीएस अधिकारी अमिताभ ठाकुर भी मैदान में कूद गए और उन्होंने एक्स पर यह पोस्ट किया। मेरठ से भाजपा विधायक और प्रदेश सरकार में मंत्री सोमेंद्र तोमर द्वारा मेरठ के मोदीपुरम पल्लवपुरम मेट्रो स्टेशन के बगल में विनायक विद्यापीठ के पीछे तमाम पूर्व सैनिकों के प्लॉटों पर अवैध कब्जा किए जाने और उनका रास्ता रोके जाने, उन्हें धमकियां देने और उन्हें सस्ते दर पे प्लॉट बेचने अन्यथा कार्रवाई किए जाने से संबंधित 6.5 मिनट का एक वीडियो सामने आया है, जिसके आधार पे मैंने यूपी के मुख्यमंत्री को तत्काल उच्च स्तरीय जाँच कराकर तथ्यों के सही पाए जाने पर सोमेंद्र तोमर के विरुद्ध FIR दर्ज किए जाने तथा उन्हें मंत्रिमंडल से बर्खास्त किए जाने की मांग की है। इस बीच आज DM ऑफिस पहुंचे तमाम पीड़ितों ने FirstBite.tv को यह जानकारी। क्या नाम है आपका? अरुण त्यागी जी। अरुण जी, आज आप SSP ऑफिस आए हैं, क्या पूरा मामला? हमारा मामला ये है जी, हमने अपनी बहन को 2009 में प्लॉट दिया था लेके, तो 2009 में इन्होंने सोमेंद्र तोमर जी ने स्कूल खरीदा था, संजीव तोमर जी ने कॉलोनी काटी थी उन्हीं का स्कूल था, संजीव तोमर जी ने वो स्कूल इन्हें सोमेंद्र तोमर को बेच दिया था विधायक जी को, और हमें कॉलोनी बेच दी थी जी। उस कॉलोनी में जो प्लॉट थे सभी हैं, उसमें 30-40 आदमी हैं, 38-40 आदमी हैं उसमें, तो उन्होंने जो है अब एक महीने से रास्ता रोक रहे हमारा, ये जाने नहीं दे रहे यार। इन्होंने अभी कावड़ का जो टाइम चला उसमें जो है सबकी बाउंड्री उखाड़ के, काली सड़कें उखाड़ के कॉलोनी की वो प्लान कर दी बिल्कुल, जो है बड़ी समस्या हो रही थी जो है हमें। आपने इस चीज़ की शिकायत सबसे पहले कहाँ कर दी? हमने पहले SDM साहब को की थी, थाने में की थी, फिर हमने यहाँ पे SSP साहब को यहाँ की, अब DM साहब के यहाँ जा रहे जी हम, अरे माननीय मुख्यमंत्री जी के यहाँ पोर्टल पे की थी। अभी कोई कार्रवाई नहीं हुई सर, मुख्यमंत्री जी के भी आप पोर्टल? हाँ जी, वहाँ से LIU के और वो आए थे जांच के लिए, वो करके ले गए जी, लिख के ले गए रजिस्ट्री। आपने बैनामा कराया? हमने 2009 में हुआ था जी बैनामा,
और इनका जो ये जो कागज दिखा रहे हैं कौन से संघ के कागज दिखला रहे हैं अपने कौन से? ये तो रास्ता तो जो खरीदा था सर संजीव तोमर जी ने खरीदा था, वो संजीव तोमर जो थे उन्होंने खरीदा था। आपके बेनामे में रास्ता क्लियर? हाँ जी क्लियर है जी, लिखा हुआ सबके में, सबके में क्लियर है। कप्तान साहब से मिले? हाँ जी कप्तान साहब ने कहा कि मैं जांच कराऊंगा इसकी जो है। अरे वो विधायक जी कह रहे हैं भाई ये रास्ते में मेरा मुकदमा चला था, मैं कोर्ट से जीत गया, मगर कोई हमारे साथ मुकदमा ही नहीं चला तो कोर्ट से कहाँ से जीत गए? विधायक जी का मुकदमा जो है हमें तो पता नहीं, हमारे किसी प्लॉट वाले के साथ कोई मुकदमा नहीं चला इनका, ना इन्होंने कभी हमें आज तक रोक के, अब एक महीने से रोक रहे जाने से इनकी सिक्योरिटी जो है। यानी हम जाते थे अपना प्लॉट देखने, कोई दिक्कत ही नहीं थी, हम कहते भाई हम प्लॉट वाले एकदम गेट खोलते थे। प्लॉट पे आपका कब्जा हो गया या उनका कब्जा? नहीं प्लॉट पे तो समझो अब तो उनका ही, जब उन्होंने सारी बाउंड्री वाउंड्री पार रखी जो है। हाँ जी कब्जा ही एक तरह से, और क्या, जब हमें जाने नहीं दे रहे अंदर जो है, दीवार प्यार ढा रखी उन्होंने, अंदर की बाउंड्री ढा रखी, अपने स्कूल में की तरफ की साइड की बाउंड्री निकाल दी उन्होंने जो है, दीवार तोड़ दी आपकी? हाँ जी सब मेरे क्या सबकी तोड़ दी, जिन्होंने सबने प्लॉटों की नींव भरवा रखी थी ना जी, वो नींव उखाड़ के वहाँ से एक भी ईंट नहीं छोड़ दी उन्होंने, काली सड़कें थी वो सब पाड़ गिरी, पेड़ लगा दिए थे पेड़ पर। क्या नाम है? हाँ जी नमस्कार जी, मेरा नाम है नीरज कुमार। क्या मामला है? मामला ये है हमने प्लॉट ले रखे हैं और वर्तमान विधायक बीजेपी डॉक्टर सुमंदर तोमर ने उन पे कब्जा कर लिया और 36 प्लॉट है और सभी पे कब्जा कर लिया, रास्ता रोक लिया। और सबसे बड़ी समस्या तब हुई जब यहाँ मेट्रो स्टेशन बना, पहले कोई समस्या नहीं थी, डेढ़ महीने से समस्या हुई और वे बोलते हैं इस पर मुकदमा चला हुआ है, इस पर कोई मुकदमा नहीं चल रहा। अगर किसी हम में से किसी एक के भी नाम मुकदमा चला हो तो हम सारे प्लॉट फ्री छोड़ देंगे और हम पे फालतू के इल्जाम लगा रखे हैं। हम प्लॉट में सिर्फ 3 बार गए, 3 बार अपने साथ पुलिस लेकर गई बस, और बाकी हम एप्लीकेशन दे रहे हैं, इतनी हमारी समस्या है। एप्लीकेशन पर अधिकारी हमारी सुनवाई करेंगे और हमें इंसाफ मिलेगा। थाने में करी हर जगह करती थाना पल्लव आश्वासन मिल रहा कार्रवाई होगी। नेक्स्ट कप्तान ऑफिस भी दिया है एप्लीकेशन और अभी डीएम ऑफिस में खड़े हैं हम प्रेजेंट। मेरा नाम मोहम्मद आसिफ चौधरी है, ये डॉक्टर सोमेंद्र तोमर है, इसके कॉलेज के बाहर में कॉलोनी पड़ी थी वहाँ हमारा प्लॉट है और प्लॉट में जो रास्ता है और कॉलेज का रास्ता है वो सब एक हो रहा है और उसमें जो रास्ता है कॉलेज का वो सोमेंद्र तोमर ने बंद कर दिया, इसमें कॉलोनी वालों को आने जाने से मना कर दिया और धमकी देता है कि इसको सस्ते में बेच के चले जाओ वरना जो है हम तुम पर गले इल्जाम लगाएंगे, कुछ भी मतलब करवा देंगे, इस तरह का वहाँ बिना रास्ते के कटती है कभी? आ जाओ आंटी जी। क्या नाम है आपका बताइए? मेरा नाम है अमिता चौहान। क्या पूरा मामला है? ये मामला है रास्ता मतलब कॉलोनी कभी कटती है, आपको भी पता होगा कभी कॉलोनी कटती है बिना रास्ते के कट जाएगी, 38 जनों ने लिया है वहाँ तो बिना रास्ते के ले लिए प्लॉट, ये बता दो किसने ले लिए, क्या है? सबने सबके हैं प्लॉट, वो रास्ता नहीं दे रहा, मतलब कह रहा मैंने रास्ता खरीद लिया जो विद्यापीठ का जो ये कॉलेज वाला है डॉक्टर सोमेंद्र तोमर जी वो नहीं देना चाहिए। पूरा विवाद ये है कि भाई ना तो जाने देता हमें अपने प्लॉट में और सारी बाउंड्री सबकी उठा दी, गेट बंद कर लेता है हमेशा सड़के साफ उतार की, सबकी बिल्डिंग जो बनी हुई थी बुनियाद भरी हुई थी सब पे बुलडोजर चलवा दिया उसने, पेड़ लगा दिए, बाउंड्री वाउंड्री सब ढा दी और पेड़ लगा है, हमने अपने बच्चों का पेट पट्टी काट के तो हम किराए पे रहेंगे क्या पूरी जिंदगी? हम अपने बच्चों के लिए बनाएंगे नहीं? कितने प्लॉट है टोटल? प्लॉट है वहाँ 38। अरे एक दो ने बेच भी दिया भैया ये मुझे पता चला है और उसने मतलब मुकदमा भी कर लिया, जीत भी लिया, वो केस भी जीता रास्ते का, कहाँ से जीत गया जब कराई नहीं, कुछ कराई नहीं, जब जब जाते हैं तो क्या? इस खबर में फिलहाल इतना ही, आप देखते रहिए फर्स्ट बाइट ऑटो में। नमस्कार।